हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को, अगर आप हरियाणा से हो या फिर आप किसी और स्टेट से हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, और अगर आपके मन में है जो सर मुझे हरियाणा से पॉलिटेक्निक करना है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और साथ साथ आने वाले हर अपडेट के लिए, जैसे काउंसलिंग कैसे अप्लाई करना है, रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, काउंसलिंग का क्या डेट है, बेस्ट कॉलेज कैसे सेलेक्ट करने हैं, काउंसलिंग के टाइम में सारा अपडेट आप लोगों को मैं टाइम से पहले जैसा अभी तक देता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है जो आप सोचिएगा सर सिर्फ पॉलिटेक्निक के एडमिशन तक ही साथ है, उसके बाद नहीं। पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को और बीटेक वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, आपका एडमिशन से पहले भी एडमिशन का क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, बेस्ट कॉलेज क्या है, और एडमिशन के बाद भी क्लासेस कहाँ लेनी है, आपके पेपर पैटर्न किस अकॉर्डिंग होंगे, सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसा है, कौन सी किताबें पढ़नी है, सारा अपडेट आप लोगों को टाइम से पहले मिलता रहेगा। तो कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न था, जो सर अभी भी जो है लास्ट डेट जो है, मैं आज का आपको अपडेट बता रहा हूँ, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन के तरफ से जो काफ़ी कॉलेज को मेल भी भेजा गया है, जो इन्होंने जो है आपका जो फॉर्म का जो डेट है, मतलब हरियाणा पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म का डेट है, उसे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। और एक्सटेंड करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो जिन भी बच्चों को अगर 10th बेस पे अगर आप लोग हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अब जो है आप लोग 24 जून तक जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी तक ऐसा था, जो जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना था, वो सारे बच्चे 17 जून तक अपना फॉर्म अप्लाई करते, 19 जून को उनका क्या है रैंक कार्ड आता, और फिर 21 जून से हम काउंसलिंग अप्लाई करते। लेकिन अब के अकॉर्डिंग आज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है जो लास्ट जो है डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन, इसके बाद मुझे नहीं लग रहा जो डेट एक्सटेंड करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, मैंने कई सारी वीडियो आप लोगों को सिविल वर्ल्ड के चैनल पे देखने को मिल जाएगा, आप लोग प्रीवियस जाके वीडियो देखिए कैसे फॉर्म अप्लाई करनी है सारा कुछ। तो मेरा कहना यह है, जो जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, 24 जून 2024, मतलब अब जो है आपके पास 10 दिन का और टाइम है जो आप लोग अपना फॉर्म जाके अप्लाई कर सकते हो। और कई स्टूडेंट को पता भी होगा, जो हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, जो आपके 10th के परसेंटेज है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको हरियाणा के टॉप कॉलेज मिलते हैं। जैसे कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हरियाणा से या फिर उन्होंने CBSE से या किसी अदर बोर्ड से 80+ परसेंटेज होगा 10th में, तो उनका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में ही आ जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में वो चाहेंगे तो हरियाणा के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा कहना इतना है, जो अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया हरियाणा पॉलिटेक्निक का, तो आप मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप 24 जून 2024 तक अपना जो भी फॉर्म है उसे कंप्लीटली सबमिट करें, और कोई भी एंट्रेंस नहीं है तो फॉर्म अप्लाई करने में क्या जा रहा है, फॉर्म अप्लाई करके देख लो भाई, क्या पता आपका नाम आ जाए। और जब तक मैं हूं, और अगर आप मेहनती स्टूडेंट हो, तो मेरी गारंटी है एग्जाम एडमिशन तक की अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, मान लो भाई कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूर से एडमिशन लेने कॉलेज जाएंगे, अगर आपको लग रहा है सर मैंने कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया और मैं गलती से आ गया, और अगर वो बोले जिस चक्कर में आपका एडमिशन काउंसलिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो मेरा नंबर है ना आपके पास, आप बस एक बार कॉल कर देना। अगर मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ, क्योंकि भाई मैं भी कॉलेज में वर्किंग हूँ, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज डालिए, जो सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये कॉलेज का स्टाफ मेरे साथ ऐसा कर रहा है, या एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस ले, बस आप कह के आप शांत हो जाना, उसके बाद देखना उन स्टाफ का क्या होता है और उस कॉलेज का क्या होता है, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल नहीं फिक्र रहो, ठीक है, एकदम मज़े से अपना पॉलिटेक्निक में एडमिशन लो, अच्छे से पढ़ो। मैं भगवान से भी मनाता हूँ, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट उनका एडमिशन हो जाए, उनका अच्छे कॉलेज में हो और आने वाले टाइम में हमारे से क्लासेज ले और पढ़ लिख के अच्छे कंपनी में लगे। जैसे अभी तक हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं, तो खुशी होती है मन में, कोई कहीं से कॉल करे सर अल्ट्राटेक में हूँ, सर L&T में हूँ, तो बहुत खुश मन होता है यार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इस बात को समझो। और रही बात सर फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट, मैंने आपको बता दिया सर, देखिए होता क्या पता है, जो भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करिएगा सबमिट। फॉर्म अप्लाई के बाद आपको हो सकता है उसी दिन या 10 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा, वेरिफिकेशन के मैसेज के बाद आपका एक डेट को रैंक कार्ड आएगा, और रैंक कार्ड का डेट है सर ने बता दिया 27 जून 2024 को। जिन भी बच्चों ने 10th के बेस पे फॉर्म अप्लाई करना है, तो उनका रैंक कार्ड 27 जून को आएगा, और जो बच्चे 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे साइंस स्ट्रीम से, तो आपका जो लास्ट डेट है 18 जून तक ही है,
और आपका रैंक कार्ड जो है 21 जून 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, आराम से लिट वाले बच्चे आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए। जब भी आपका रैंक कार्ड आएगा मैं आप लोगों से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा 18 जून को। अब रही बात सर, जैसे रैंक कार्ड 10th बेस पे 27 जून को आएगा और जो बच्चे 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे साइंस स्ट्रीम से 21 जून को। उसके बाद जब आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप एक कॉलेज सेलेक्ट करोगे जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, वहाँ सिर्फ आपका वेरिफिकेशन होगा, उससे आपके कॉलेज और ब्रांच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब आप रैंक कार्ड के बाद जब हम काउंसलिंग अप्लाई करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग अप्लाई करना है, उस अकॉर्डिंग आप हरियाणा के जो भी 5-7 कॉलेज है डालना, जो ब्रांच आपको चाहिए वो डालिएगा और आई होप आपका एडमिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है सर, काउंसलिंग डेट, जैसे न्यू वेरिफिकेशन डेट मैंने आपको बता दिया, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे हो सकता उसी दिन या आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन का जो मैसेज है वो आपके मेल पे आ जाएगा। अब बात की जाए सर काउंसलिंग डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं 28 जून से लेके 1 जुलाई 2024 तक हम सभी बच्चे जो है अपना काउंसलिंग अप्लाई करेंगे और काउंसलिंग के टाइम पे ही हम कई सारे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और कई सारे ब्रांचेस भी सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप इस बात का कतई कन्फ्यूजन मत रखो जो सर हम ब्रांच सेलेक्ट नहीं कर पा रहे या कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, ये सारा काउंसलिंग के टाइम पे होगा। अब बात की जाए सर रैंक कार्ड डेट क्या है, मैंने आपको बता दिया 27 जून 2024 को आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आने वाली हर वीडियो के लिए, जैसे काउंसलिंग कैसे अप्लाई करना है, रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम ले जाना है, सारा अपडेट के लिए आप सभी बच्चे सिविल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों से दूर ना जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ही खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की 100% कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू।